शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कब, कैसे और कौन सी फिल्म से डेब्यू करेंगे, इस पर है हर किसी की नजर। कभी आर्यन की धूम 4 से डेब्यू की खबरें आती हैं, तो कभी कहा जाता है कि वो डेब्यू करेंगे एक रोमांटिक फिल्म से। आर्यन के बारे में जितनी न्यूज बनती है शायद ही किसी और स्टार किड के बारे में बनती हो, लेकिन इसके बाद भी कोई नहीं जानता कि शाहरुख के लाडले किस फिल्म के जरिए रखेंगे बॉलीवुड में कदम। हाल में फिल्म मेकर करण जौहर ने आर्यन के डेब्यू करने को लेकर खुलासा किया है। करण ने बता दी है वो सारी डिटेल्स जो आर्यन के डेब्यू से जुड़ी हुई है। करण ने साफ कर दिया है कि आर्यन न तो नव्या नवेली के साथ डेब्यू करेंगे और न ही जाह्नवी कपूर के साथ। तो फिर आर्यन किसके साथ डेब्यू करेंगे? वेल, एक इंटरव्यू में करण जौहर ने बताया कि आर्यन के डेब्यू में उनका काफी बड़ा रोल होगा। करण का कहना है कि आर्यन उनका बेटा है और उसे लॉन्च करने को लेकर उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। इंटरव्यू में करण ने कहा, मैं बचपन से आर्यन को लेकर बहुत सतर्क रहा हूँ। जब भी वो कोई नई तस्वीर भी डालता है तो मैं उससे जरूर पूछता हूँ कि ये कौन है, कहाँ दोस्ती हुई वगैरह वगैरह। मैंने उसे गोद में खिलाया है तो मेरे लिए उसका लॉन्च काफी खास होगा। फिलहाल तो आर्यन 4 साल का कोर्स कर रहा है। जब वो वापस आएगा तब अगर वो तय करता है कि उसे फिल्में करनी है तो फिर उसके लॉन्च की तैयारी मैं खुद करूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि वो और शाहरुख एक ही फ्रेम में धमाकेदार लगेंगे, लेकिन फिलहाल ये सब बाद में तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, आर्यन के डेब्यू के लिए मैं खुद बहुत ही ज्यादा नर्वस रहूंगा। करण की बातों से तो साफ है कि कुछ सालों तक तो आर्यन बॉलीवुड से दूर ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही आर्यन का कोर्स पूरा होता है तो करण उन्हें लॉन्च करने की पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं।